बांके राम है, 15-16 साल इसकी उम्र है, इसने एक किताब पढ़ी है दीन के बारे में और इसका रुझान हिंदू मत की बजाय दीन इस्लाम की तरफ हो गया। इसने और मुताला किया और मुताला किया और मुताला किया, दिल में दीन की समझ तो आ गई, लेकिन अब देखते हैं इतनी कुर्बानियां कैसे दूंगा, न मां मानेगी न बाप मानेगा, न भाई मानेंगे न बहने मानेगी, दीन तो यही सच्चा है, ऐलान कैसे करूं। बांके राम इसी फिक्र में गलता बेचा है, परेशान मुस्तरिब है, एक दरसे कुरान में शरीक होता है और उस दरसे कुरान का मौजू है कि जिनको तुम अल्लाह को छोड़ के पुकारते हो ये तुम्हारे सहारे ऐसे हैं जैसे मकड़ी ने जाला बुना होता है। ये आयत दिल में सिरायत कर जाती है, कहते हैं अल्लाह आज के बाद ये मकड़ी के सहारे खत्म हैं, ए अल्लाह आज के बाद सहारा सिर्फ तेरी जात का लूंगा। कलमा पढ़ते हैं, माँ बाप बांके राम को वक्त के बड़े 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 मजहबी पेशवाओं के पास ले जाते हैं, इसको कोई नफ्सियाती मसला हो गया है, इसको कोई परेशानी हो गई है, इसका इलाज कर दीजिए। आखिरकार उस बांके राम को अपना घर छोड़ना पड़ता है, जब वो छोड़ देता है दीन का इल्म हासिल करता है, मदारिस में इधर उधर घूमता फिरता है, पढ़ते पढ़ाते अल्लाह को कुर्बानी का यह जज्बा इतना महबूब लगता है कि उस बांके राम का दाखला मदीना यूनिवर्सिटी में हो जाता है, मदीना यूनिवर्सिटी का तालबे इल्म बन जाता है, मदीना रसूल में पढ़ता है, फिर वहां से फरागत के बाद अजहर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करता है, अजहर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद वापस पलटता है। अल्लाह को उस बांके राम की कुर्बानी इतनी पसंद आती है, मदीना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाता है, अल्लाह को उसकी अदाएं इतनी पसंद आती हैं, मदीना यूनिवर्सिटी के शोबा हदीस का फैकल्टी का डीन बन जाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाता है। उस बांके राम की कुर्बानियां अल्लाह को इतनी पसंद आती हैं, मस्जिद नबवी में उसकी कुर्सी लगती है और 25-30 साल मस्जिद नबवी में दरसे हदीस देता है, उसे सऊदीया की शहरियत मिलती है। उस बांके राम की ये कुर्बानियां अल्लाह को इतनी पसंद आती हैं, जब वो हिंदुस्तान वापस जाता है लोग पूछते हैं तुम्हारा कुरान तो जमा है, तुम्हारे पैगंबर की हदीसें भी जमा हैं, मदीना यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट लेके वो बांके राम हदीस लिखने में लग जाता है। 19 जिल्दों में अलजामे उल कामिल फिल हदीस सही हिल शामिल, अल्लाह के पैगंबर की सारी हदीसें 19 वॉल्यूम्स के अंदर जमा कर देता है। पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाते पढ़ाते वो बांके राम, अब उसका नाम डॉक्टर जियाउर रहमान आजमी है, और परसों मदीना रसूल में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए अल्लाह के पास चले गए। कुर्बानी माँ बाप की कुर्बानी, कुर्बानी बहन भाइयों की कुर्बानी, कुर्बानी औलाद की कुर्बानी। तुम इसी बात पे फूले नहीं समाते कि 30-40 हजार का बड़ा फरबा सा बकरा मैंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और ये भूल ही जाते हो, ये सुन्नत तो उस हस्ती की है जिसने अपने प्यारे बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई थी। अल्लाह अगर तेरा हुक्म है तो तेरी राहों के अंदर ये भी कुर्बान है, ये भी कुर्बान है। तुम तो अपना एक बेटा दीन पढ़ने के लिए वक्फ नहीं कर सकते, हिफ्ज़े कुरान के लिए वक्फ नहीं कर सकते, एक मामूली सी इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते कि ये दीन का आलिम बन जाए, जो सबसे डल हो, जो सबसे कमजोर हो, जो सबसे कुंद जहन हो, उसको मदारिस में भेज दिया। कुर्बानी क्या होती है, हर घर के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह ये एक जानवर नहीं, मैं अपना एक बेटा भी तेरे दीन के लिए, तालीम के लिए, कुरान के लिए, हदीस के लिए वक्फ करना चाहता हूं।